नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त रामनगर माध्यमिक स्कूल में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि बच्चों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने लगातार परिवर्तन किया है। जहां आपको बता दूं कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा गर्मी लू पड़ रहा है, वहीं पर शिक्षा विभाग बच्चों को लेकर जो है हमदर्दी दिखाई है। तो आपको बताते चलूँ कि जो है पहले की तुलना में 7:30 बजे से 1 बजे तक निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ बैठकें और कुछ जो है शिक्षक संघ ने इसका आपत्ति किया था। वहीं पर आपको बता दूं कि अब जो है 7:30 बजे से अब 11:30 बजे तक कर दिया गया। आइए हम पूछते हैं कि आखिर में बच्चों के लेकर और हम दर्दी जिस तरह से देखने को मिला है, यह बहुत ही सराहनीय है और सभी शिक्षक इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे हों या आपके हों, जो बच्चे आ रहे हैं दूर दराज से आते हैं, कोई नज़दीक से आता है, और बहुत से लोगों का ये भी देखा गया कि लोग बीमार हो गए थे और उस बच्चे स्कूल आने के लिए उनके अभिभावक बिल्कुल जो है मनाही कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है लगातार अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जो है नामांकन भी हो रहा है लगातार, जो है गुरु जी ऐसा जो है कहते हुए सुना गया कि आइए। सर, जिस तरह से बच्चे जो है लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका स्वागत सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले विद्यालय जो बच्चों के आने का समय था वो 8 बजे से 2 बजे तक था। दो बजे तक इतनी भयंकर धूप हो जाती थी कि उसमें काफ़ी बच्चे बीमार होने की स्थिति में आ गए थे, और बच्चे बड़े ही कोमल, बड़े ही नाजुक हैं, और शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, शासन ने बहुत अच्छा ध्यान दिया, अभिभावकों की बात को सुना, शिक्षकों की बात को सुना, और समय में परिवर्तन किया और समय 7:30 से 1 बजे कर दिया। ये बधाई के पात्र हैं। और थोड़ी सी विसंगतियां जरूर आई कि 2-3 लगातार बैठकें होती रहीं, सही निर्णय नहीं हो पाया। शासन विशेषकर जो है बच्चों के लिए जो है हमेशा अग्रसर है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, पुस्तक वितरण के लिए, सभी के लिए कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। और सरकार भी बधाई के पात्र हैं और सभी शिक्षक भी शिक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। नामांकन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितने लगभग बच्चे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग जो है 68 बच्चे इस समय नामांकन सहित जो है उपस्थित हो चुके हैं, और शिक्षण व्यवस्था जो है चल रही है, और गाँव में संपर्क का अभिभावकों का जो है चल रहा है। अभी भी प्रवेश होने की अधिक से अधिक संभावना बनी हुई है और लगातार नामांकन जारी है। जी, तो ये जनसंपर्क जो अभिभावक कर रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? क्या मतदान को लेकर जागरूकता लेकर है कि बच्चों को स्कूल आने के लिए शिक्षा प्राप्त करने? देखिए, दोनों स्थितियां बन रही हैं। अभिभावकों से उनको मतदान करने के लिए भी सलाह दिया जा रहा है कि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति 100% जो 18। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।